संगम किनारे 9 फरवरी को मौनी अमावस्या के पावन दिन पर भव्य मेला लगता है। इस दिन करोड़ों श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज संगम पर हर साल लगने वाले इस भव्य मेले में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस बार लगने वाला कुंभ 2025 में लगने वाले महाकुंभ के ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है। इस मेले में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो चुकी है। 9 फरवरी के मेले को लेकर शहर में डायवर्जन लागू कर दिया गया है। बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर की तरफ से आने वाले लोगों को अंदावा में ही अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी और अयोध्या की तरफ से आने वाले लोग अपने वाहन को मलाका में ही पार्क करेंगे। वहां से इनको फाफामऊ से गंगा जी के किनारे किनारे माघ मेले तक आना होगा। शहर में जाम ना लगे इसको लेकर यातायात पुलिस अपनी तैयारियों को पूरी कर ली है। वहीं कौशाम्बी कानपुर की तरफ से आने वाले निजी वाहन को मुंडेरा में ही रोक दिया जाएगा। यही हाल नैनी में भी है। मध्य प्रदेश मिर्जापुर तक के वाहन को नैनी में ही रोक रखा जाएगा, जिससे मेले की प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे।